हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें अपन बात करेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, ब्लड को, डन। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ब्लड के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लड में क्या डिस्कशन करेंगे अपन, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो बना हुआ है, जैसे ये अपन का हीम प्लस ग्लोबिन, डन। हीम जो है इसमें वो कितना परसेंट रहेगा, ये लिपिड है, पहले इसका वर्ड का मीनिंग समझो। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, इसका परसेंटेज लिपिड का कितना रहेगा, लिपिड का परसेंटेज कितना रहेगा, 5%, ओके। और प्रोटीन का 95, डन। और इसमें जो हीमोग्लोबिन में जो स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा अपन को, ये स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा क्या, Fe यानी आयरन, Fe+2 आयरन हो गया। एंड सेकेंड वन पोरफायरिन रिंग, डन। ये दो दो मेन इसमें फंक्शन, इसका ये स्ट्रक्चर जो है इसके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में ये फाउंड होगा, डन। इसमें लिपिड 5% रहेगा, 95% ये अपन को प्रोटीन मिलेगा इसमें हीमोग्लोबिन में, डन। नेक्स्ट अपन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये अपन का पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया 5-carbon रिंग, इससे अटैच क्या रहेगा, NH, अटैचमेंट किसका रहेगा, NH का। और ये NCERT बेस्ड है, और इससे रिलेटेड जितना भी आपको प्रॉब्लम आएगा NCERT बेस पे उसको कमेंट बॉक्स में करना कमेंट। NCERT आपको मस्ट फॉलो करना है, NCERT के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये मैं हर वीडियो लेक्चर में अपना बोलता हूँ। ये अपन का पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर है, डन। 5-carbon रिंग ये है, और इससे अटैच क्या रहेगा, NH। डन, ये NH जो है किससे अटैच रहेगा, इससे। और ये जो रिंग बनेगा इसको अपन क्या बोलेंगे, पायरोल रिंग। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन उतना आपको ध्यान नहीं देना ऑर्गेनिक को, डन। अपन का ये पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर बन गया। ये कार्बन इससे अटैच रहेगा, यहाँ से इस तरह से आएगा, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा इससे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, डन। यहाँ से आएगा इसे, और इसे अटैच होगा, और ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ओके। ये अपन का बन गया क्या, अब अपन को बीच में क्या लेना है, Fe, आयरन जो है Fe+2, और ये अटैच किससे रहेगा, NH से, NH से अटैच ये रहेगा, ये हो गया। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, पायरोल रिंग का, पोरफायरिन का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब जो ये स्ट्रक्चर बनेगा, डन,
इस पे अपन क्या देखेंगे यहाँ पे, अटैच कौन क्या क्या मटेरियल और रहेगा यहाँ पे। ये तो दो कार्बन इससे अटैच रहेगा, ये रहा ये है कार्बन, ओके सब में दो दो कार्बन अटैच रहेगा पीछे, कार्बन ये अपन का कार्बन बन गया, फाइव कार्बन फाइव मेंबर रिंग भी हो गया और उसके बाद भी दो कार्बन यहाँ अटैच रहेगा, डन। और ये अपन का एक स्ट्रक्चर हो गया पोरफायरिन रिंग का वन स्ट्रक्चर, इसी तरह का चार रहेगा ठीक है, और चारों जो है वो क्या करेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या करेगा वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, सेम यहाँ पे देखो ऐसे इस तरीके से ऑक्सीजन जो है कैरी होगा O2 को ये अपने अंदर रखेगा, डन। इसी तरह का चार स्ट्रक्चर रहेगा, डन। सपोज यहाँ पे देखो ऐसे इसका एग्जांपल ले लो, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसमें अपन चार पोरफायरिन रिंग को डालते हैं, ये अपन का चार जो हो गया वो क्या हो गया पोरफायरिन रिंग, ये एक वाला क्या हो गया ओके ये अपन का क्या हो गया पोरफायरिन रिंग, और इसमें क्या क्या करेगा ये एक एक ऑक्सीजन को कैरी करेगा O2, डन। और इसका नाम क्या रहेगा, ये अपन का जैसे दो अल्फा रहेगा, ये अल्फा अल्फा एंड ये बीटा एंड बीटा, बीटा पोरफायरिन रिंग और बीटा, यानी कि इस पे जो है यहाँ पे नोट किस नोट करके यहाँ पे लिखेंगे अपन नोट पॉइंट में, वन हीमोग्लोबिन जो स्ट्रक्चर होता है, वन हीमोग्लोबिन कैरी फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, डन। तो ये अपन का क्या हो गया हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया, ये अपन का क्या हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको अपन यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पे राउंड वाला जो फॉर्म है वो किसका हम लोग यहाँ पे नोट किए हैं, इसका ये जो राउंड है राउंड वाला सर्कल इसको अपन यहाँ पे नोट कर रहे हैं ठीक है, पायरोल रिंग ये पोरफायरिन रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगा, डन। यानी कि Fe भी प्रेजेंट होगा तभी तो ये कैरी करेगा ना, ये अपन का Fe, एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होंगे ये भी यहाँ पे से नोट, तो चार आयरन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, डन। और चार ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को कैरी करेगा ओके। तो यही था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, नेक्स्ट अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे, ब्लड ग्रुप अपन का क्या क्या है ओके, ब्लड ग्रुप्स या ABO सिस्टम इसको अपन बोलते हैं, डन। सबसे पहले ब्लड ग्रुप यहाँ पे करेंगे, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा, ए अपन का ब्लड ग्रुप होगा, बी होगा इस तरीके से इसको ड्रॉ करो, ए ब्लड ग्रुप बी ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप ओके। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपन इसका डिस्कशन करेंगे यहाँ पे चारों ब्लड ग्रुप को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे ला रहे हैं, डन। ये अपन का क्या हो गया ब्लड ग्रुप, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, जैसे कि एंटीजन, फर्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट क्या रहेगा एंटीजन,
किसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा किसमें नहीं होगा इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये अपन का ये एंटीजन हो गया, ए का एंटीजन इस तरीके का होगा, ये राउंड होगा और इसमें इस तरीके का फॉर्म लगा हुआ रहेगा, ये स्पाइक टाइप का रहेगा इसमें एंटीजन। ओके, ये अपन का इस तरीके का एंटीजन होगा इसका। और बी का कैसा रहेगा, बी का एंटीजन जो है वो राउंड होगा, इस तरीके का राउंड। और ए बी में क्या प्रेजेंट होगा, ए बी में दोनों प्रेजेंट होगा। ए बी जो है ब्लड ग्रुप इसमें स्पाइक एंड राउंड दोनों प्रेजेंट। ये अपन का स्पाइक हो गया एंड इसमें राउंड वाला फॉर्म भी अवेलेबल होगा साथ साथ, इसलिए ए बी ग्रुप जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि ए और बी दोनों से ब्लड या ओ से भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बी का भी एंटीजन प्रेजेंट है और इसमें उसका भी प्रेजेंट है, ए का भी। इसमें एंटीजन का कोई फॉर्म नहीं होगा, ओ जो है ओ ब्लड ग्रुप में कोई फॉर्म नहीं होगा, ये सिंपल रहेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट एंटीजन का पार्ट खत्म, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे, इसमें एंटीबॉडी की बात करेंगे अपन। एंटीबॉडी सेकेंड वन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसमें क्या होगा, इसमें ए का एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल ए। बी का एंटीबॉडी, सॉरी, ए का एंटीबॉडी क्या होगा, स्मॉल बी, एंड बी का स्मॉल ए, इसका नो एंटीबॉडी। ठीक है, और इसका क्या होगा, ए स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों होगा, इसलिए जो एंटीबॉडी जो है इसमें नहीं है, इसीलिए ये जो है हर जितना भी ब्लड ग्रुप है उसका ये एक्सेप्ट कर लेगा। डन, ए बी जो है एंटीबॉडी नहीं रहने के कारण ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा सबसे ब्लड, और इसका एंटीजन जो है वो नो एंटीजन। ठीक है, नो एंटीबॉडी, ये इसका इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क इसको यहाँ पे करो, ए बी और ओ को। डन, नेक्स्ट जो है इसमें क्या बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन अपन करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे इसका फॉर्म होगा। ये रहा आपका स्ट्रक्चर एंटीबॉडी ए का, बी है तो इसका कितना होगा, राउंड वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बी के पास राउंड शेप का था, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। और ए का कैसा था, ये था इस तरीके का वी शेप वाला स्ट्रक्चर। डन, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नहीं होगा, नो स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट इसका दोनों होगा, राउंड वाला भी होगा, क्योंकि ए बी दोनों इसके साथ आ रहा है, इसलिए ये राउंड वाला भी शेप होगा एंड वी शेप वाला भी इसके अंदर मौजूद होगा। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा ब्लड ग्रुप। अब यहाँ से जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि कौन एक्सेप्ट करेगा कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा ब्लड को। ठीक है, ये जो है ये वाला ए वाला जो पार्ट है इसको क्या करेगा, ये नॉट एक्सेप्ट, बी जो है नहीं एक्सेप्ट करेगा इसको। क्यों, यहाँ पे पहले नॉट एक्सेप्ट। नेक्स्ट ए का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी जो है एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा ये, क्योंकि इसका एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए एक्सेप्ट कर लेगा। और ए ब्लड ग्रुप को ओ जो है वो क्या
क्या करेगा, नॉट एक्सेप्ट। क्यों? यहाँ पे एक ड्रॉ करो इसका, बी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसका फॉर्म किस तरीके का है, इस तरीके से। ओके, ये वाला फॉर्म है इसका, तो इसमें एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ये रहा, ये स्पाइक वाला है तो इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, और ए बी में क्यों एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पाइक वाला भी इसके पास है। ओके, ये स्पाइक वाला इसका हो गया, राउंड वाला भी इसका हो जाएगा, डन। बी का ब्लड ग्रुप भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी का एक्सेप्ट, डन। क्यों एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे इसका रीजन है क्योंकि ये इसका राउंडिंग फॉर्म भी है। ओके, ये राउंड फॉर्म वाला इसके पास एंटीजन है, इसलिए एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, और ये वाला क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, ए का ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके पास जो है अवेलेबल है वो ये स्पाइक वाला है, और इसके इसका जो है ये नॉर्मल है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। ओके, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, और ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास दोनों टाइप का है एंटीजन, डन। यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में चार्ट, कि कौन किसका ब्लड जो है वो एक्सेप्ट करेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन इसमें देख लेते हैं, डन। यहाँ पे आप लोग ड्रॉ करो इसको, ए जो ब्लड ग्रुप है, ए ओ ए बी एंड बी, आप यहाँ पे ड्रॉ करो। ओ जो है सबको दे सकता है, ओ सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है, बी को भी देगा, ए को भी देगा। नेक्स्ट, ए जो है खुद को ब्लड देगा, ठीक है, और ओ भी जो है वो खुद को ब्लड देगा, ए भी जो है वो खुद को ही ब्लड देगा, डन, और बी जो है वो खुद को ब्लड देगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट, ए जो है इससे भी एक्सेप्ट कर सकता है, ए से भी, ए बी जो है इससे भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसको डोनेट, ये अपन को डोनेट, वो जो है डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, और ये एज इसका जो क्या है, इसमें ए बी जो है क्या करेगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओके। और ये जो है ओ क्या है, ओ यूनिवर्सल डोनर, ओके। नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे, ओ के पास क्या क्या रहेगा, ए बी एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, ए के पास क्या रहेगा, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, और बी के पास क्या रहेगा, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, और इसके पास नो, ये क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन ब्लड ग्रुप। तो अपन ने क्या समझा, ये ट्यूबुलर फॉर्म था, इसको अपन ने ड्राइंग डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे समझ लिया, ये वाला ट्यूबल टेबल जो था इसका हम लोग यहाँ पे क्या, एक फॉलो चार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम लोगों ने समझ लिया, यानी कि ए जो है वो खुद को डोनेट करेगा ब्लड, ओ भी अपने आप को देगा, बी भी अपने आप को देगा, लेकिन ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, और ओ जो है वो सबको दे सकता है, डन। तो ये अपन ने हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा क्या, ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया, डन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है और एनसीईआरटी को आप फॉलो करो, एनसीईआरटी 11th का उसको पढ़ो, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, डन। ये अपन का ब्लड था, और मिलते हैं अगले वीडियो अगले लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।